दलितों की राजनीति करने वाली मायावती के मिजाज अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में उनका फोकस सिर्फ दलितों पर नहीं बल्कि दूसरे समुदायों पर भी रहेगा। मायावती अब सभी को साथ लेकर चलने की बात कर रही हैं, मतलब ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर सभी को पार्टी में मौका, और अगर पार्टी सरकार बना ले तो वहाँ भी अहम पद। लेकिन ये होगा कैसे? सालों से तो बसपा का कोर वोटर्स दलित समुदाय ही रहा है और पार्टी लगातार ब्राह्मण, बनिया, ठाकुरों को कोसती आई है। ऐसे में मायावती का ये प्लान काम कैसे करेगा? इसके लिए पार्टी चुनाव से पहले अपना मिशन चक्रव्यूह शुरू करने जा रही है। इसके जरिए जात से ऊपर उठकर लोगों को बसपा में लाने का प्रयास किया जाएगा कि प्रदेश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज भी भाजपा के द्वेषपूर्ण व पक्षपाती रवैये से दुखी होकर अब अपने सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के लिए यहां बीएसपी के साथ काफ़ी तेजी से जुड़ा है। अब पार्टी एक कदम और आगे जाना चाहती है। वो सभी जात के एक विशेष समुदाय पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वैसे तो बसपा के प्रवक्ता फैजान खान के मुताबिक बसपा हमेशा से ही सभी जातियों को साथ लेकर चली है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये हम सभी जानते हैं। उन्हें जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो समाज में बदलाव लाने पर विश्वास रखते हैं। आपको याद ही होगा, हाल ही में बसपा ने पूरे यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन किया था और सियासी समीकरण अपने पक्ष में करने का प्रयास किया था। मिशन चक्रव्यूह को लेकर फैजान खान बताते हैं कि बसपा हर धर्म के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती है, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई। पार्टी इन सभी जात के एक विशेष वर्ग को टारगेट करेगी। उन्हें पार्टी में औधा दिया जाएगा और सरकार बनने पर पद भी देने का वादा किया जाएगा। खबर ये भी है कि पार्टी दीपावली के बाद से पूरे राज्य में बड़े स्तर पर रैलियां शुरू करेगी। इस बार खुद मायावती भी ज्यादा से ज्यादा रैलियां संबोधित कर सकती हैं और उनकी हर रैली को सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम करने की तैयारी भी की गई है।